हमारे मना करने के बावजूद आप वहां क्यों आई? वादा किया था ना आपने हमसे, क्या हमसे किए गए वादे की कोई कीमत नहीं है? अनार क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे पता है अनार, ये तो अच्छा हुआ कि हकीम साहब ने एकदम सही वक्त पे तेरा इलाज कर दिया, वरना तेरी तबीयत और नासाज हो सकती थी। अनार, तेरी तबीयत तो ठीक है? खारा जवाब चाहती है, शहजादे कुछ सुनना नहीं चाहते। या पता हमारी कश्ती की सोच जा रही है। अनार, हुस्ना अभी हमें तुझसे बात नहीं करनी। पर तेरी तबीयत, हमने कहा ना हुस्ना अभी हमें तुझसे बात नहीं करनी। कैसे गुस्सा नहीं आएगा, हमारे मना करने के बावजूद वो वहां आई। शहजादे पर उनके आने की वजह तो जान लीजिए ना। कुछ नहीं जानना हमें। शहजादे, भगवान के लिए हमारी बात तो सुन लीजिए। शहजादे अनारकली को पता चल गया था कि उस ताज में जहर है। और यही बात बताने के लिए वो दरबार आई थी। हमारी गलती की वजह से उन्होंने ताज को छू लिया और उनको बिच्छू ने भी खा लिया। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अनारकली ने भी कोशिश तो की थी, पर अफसोस अनार, आपका वादा और आपका इरादा दोनों कच्चे निकले। हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनको बात करने का मौका तक नहीं दिया हमने। एक बात कहे अनार, तू ना ऐसे उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और हाँ, ये जहर वाली दवा, उसने हमने कहा ना अभी हमें किसी से बात नहीं करनी, ना खाला से, ना शहजादे से और ना ही तुझसे। और रही बात है जहर की, तो हकीम साहब ने हमें दवाई दे दी है, हमने खा ली है दवाई, जहर उतर चुका है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो जा यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। तू परेशान मत हो, अपना ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना, हम यही है। पता नहीं क्या हो गया है, क्यों चलाया जा रही है। शहजादे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप जाकर उनसे माफी मांग लीजिए। माफी? हम शहजादे हैं, आज तक किसी से माफी नहीं मांगी हमने। पर शहजादे, आपने किसी से ऐसी मोहब्बत भी तो नहीं की। हमें खाला को सब कुछ सच सच बताना होगा, बताना होगा कि हम ये निकाह नहीं करना चाहते। भेजा है कुछ फूलों को हमने आपकी जानिब हुजूर, बेहतर है कि वो भी जान ले कि उनसे नाजुक भी कोई है। क्या हुआ ना?
फूल पसंद नहीं आए आपको? फूलों की आदत नहीं है शहजादे, आज तक सिर्फ कांटे ही मिले हैं। बाप की राहों में कभी कांटे नहीं आएंगे अनार। हमारी किस्मत को नहीं जानते शहजादे, और आप हमें नहीं जानती। हम शहजादे सलीम हैं, हमारा हुक्म किस्मत पर भी चलता है। झूठ, खुदा खैर करे, अब शहजादे हैं हिंदुस्तान के, से माफी मांगकर हमें गुनहगार मत बनाइए। आज आपने फिर हमारी जान बचाई है, जिंदगी भी दी और जिंदगी जीने का मकसद भी। आपके हम पर इतने एहसान हैं कि एक जिंदगी कम पड़ जाएगी चुकाने के लिए। चाहेंगे पर आप पर कभी आंच नहीं आने देंगे। पूरा महल ढूंढ लिया मैंने खाला। वो क्या, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ थी तू? सोचा था आपसे कहते कि हम निकाह नहीं कर सकते खाला, हमारे दिल में बस शहजादे रहते हैं, मगर जुबान सिल गई है खाला, आपका लिहाज हमें कहने नहीं दे रहा। मैं जानती हूँ तू शहजादे सलीम से मिलकर आ रही है। ये तावीज, ये मुझे पहना सैफू। ये क्या है खाला? पहले पहना, उसके बाद बताऊंगी। अब बताइए खाला, ये तावीज कैसा है? ये कैसा तावीज है जो एक बेटी ने अपनी माँ को कभी नहीं पहनाया? क्योंकि इस तावीज में जहर है। खाला, खाला निकालिए, खाला मुझे मेरी कसम है ना, रुक। कल तेरे ससुराल वाले आ रहे। खाला एक बार हमारे पास बस सैफू, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ मेरी बात सुनेगी। अगर तुम्हें इस रिश्ते को हार नहीं कही ना, तुम्हें यहीं पर ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है? मैं तुझसे दूध का हक नहीं मांग रही हूँ नाज, क्योंकि मैं तेरी मां नहीं हूं। एक मां
माँ से बढ़कर मोहब्बत की है मैंने तुझसे, और आज उस रिश्ते को हाँ कहकर उस मोहब्बत का हक अदा कर दे बच्चा। सैफू मैं तेरी माँ नहीं हूँ, लेकिन लेकिन बहुत प्यार दिया है मैंने तुझे बच्चा। एक माँ अपने बच्चे को प्यार से पाल सकती है, तो अगर वो बच्ची गलत रास्ते पर चलने लग जाए तो उसे उस रास्ते पर चलने से रोकने के लिए सख्ती भी कर सकती है। खाला मैं इतनी बड़ी सजा मत दीजिए खाला। सजा तो तू खुद को दे रही है बच्चा। हमारी बात ना मानने की कसम खाकर खाला आप जानती है ना हम इस निकाह में खुश नहीं रहेंगे। तो कहाँ खुश रहेगी तू, कहाँ खुश रहेगी? शहजादे सलीम के साथ रहकर? अच्छा अगर इतना बड़ा ख्वाब भी देखेगी ना तो खाक में मिल जाएगी तू। जो बात तू जुबान से नहीं बोलती है ना वो मैं तेरी आंखों में पढ़ लेती हूँ। सबको तेरी तेरी बातें सुनाई देती है, लेकिन मुझको मुझको तेरी खामोशी सुनाई देती है। लेकिन आज आज तू मेरा फैसला सुन, या तो इस रिश्ते को हाँ कहकर मेरी गैरत बचा ले, फिर ना कहकर मुझे शर्मिंदा कर दे। खाला और तू जानती है कि तेरी खाला शर्मिंदा होकर जी नहीं पाएगी। मैं कैसी कश्मकश में डाल दिया खाला, अगर आपकी माने तो शहजादे को धोखा देंगे, दिल की माने तो आपको खो देंगे। या अल्लाह। या खुदा सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये हुस्ना कहाँ चली गई? जल्दी लगाओ, मैं नार को देख कर आती हूँ। अरे अरे तू तैयार नहीं हुई अभी तक? तू क्या आंसू बहा रही है जैसे कि विदाई हो गई होगी सैफू की? चल यहाँ दे, बाहर जाके देखिए शरबत बनाया कि नहीं बनाया। जी खाला। चल चल बैठ जा। आ सैफू, चल बैठ। चल मैं तुझे सजाती हूँ। आज से ठीक 3 रोज बाद अब उनका निकाह तय कर दीजिए। सैफू तू खुद ही तैयार हो जा, मैं बाहर देखती हूँ कि शरबत बना कि नहीं। ये देखो ऐसे बुत बन के खड़ी है यहाँ पर, कब से आवाज दे रही हूँ मैं तुझे? मिठाई के लिए कहा? हाँ वो कह दिया, और वो शरबत वो भी तैयार है। चल ठीक। खाला लड़के वाले आ गए। बर्दाश्त कर सकते कि आप हमको छोड़कर जाएं? आपका दुनिया छोड़कर जाना कैसे बर्दाश्त करेंगे ना? जो जमाने से छुप के हो वो गुनाह होता है, हम तो अपनी मोहब्बत पूरी दुनिया के सामने कबूल करना चाहते हैं। मैं आपसे दिल लगी नहीं की है, मोहब्बत की है।
यहाँ मौजूद ये चांद, ये सितारे, ये जुगनू, ये फिजा, हर चीज हमारी मोहब्बत की गवाह है। आज आपने फिर हमारी जान बचाई है, जिंदगी भी दी और जिंदगी जीने का मकसद भी। अगर तुमने इस रिश्ते को हार नहीं कही ना, तो मैं यहीं पर ये जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। सैफू, तैयार हो गए बच्चा? माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत लग रही है, बस मेरी नजर ना लग जाए। चल, लड़की वाले आ गए। चल सैफू। मौलवी साहब, ये हैं हमारे बेटे। माशाल्लाह, क्या हुस्न है। आदाब। आदाब। आप हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रही हैं खाला? खुदा भी बस महल वालों की तकदीर लिखता है अनार, हम गरीबों की तकदीर तो महल वाले ही लिख देते हैं, और उन्होंने तेरी तकदीर में इसे लिखा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती सैफू, हो सके तो अपनी खाला को माफ कर देना बच्चा। आप तारीख मुकर्रर कीजिए। इस निकाह के लिए परसों की तारीख मुकर्रर की गई है। मुबारक हो, मुबारक हो। बेगम, दुल्हन से तो मिलवाइए। हाँ हाँ, जा रही। शुक्रिया। हमें ये तारीख मंजूर है। Thank you.
ये निकाह नहीं होगा।